धम्मपद की गाथा नंबर दो, जो यमक वक की दूसरी गाथा है। पहली गाथा और दूसरी गाथा एक सी होती हैं, बस उसमें थोड़ा सा एक या दो शब्द का अंतर होता है। एक दो शब्द अगर एक पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो दूसरी उसका नेगेटिव असर बताती है, नकारात्मक असर बताती है। ये पहली गाथा हमने आपको बताई है। जो दूसरी गाथा है उसके अनुसार, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मनोपबंगमा का मतलब मन, पुब माने पहले से, पूर्व में, और गमन माने, गमा माने गमन करता है, यानी कि मन जो चलता है वो हमारा पहले से ही चलता है। सबसे पहले शरीर में जब कोई काम करते हैं, बोलना हो या देखना हो या सुनना हो या गाना हो या जाना हो, रोना हो, हंसना हो, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो वो सबसे पहले आपके मन में आती है। इसलिए ये पहली लाइन पहले वाले धम्मपद में और इसमें सेम है, बिल्कुल एक सी है, एक भी शब्द का अंतर नहीं है। इसके अनुसार मन पूर्व गमन करता है, यानी कि शरीर में कोई काम करने से पहले सबसे पहले वो मन में आता है, वो बात मन में आती है। जब मन में आती है तब वो मस्तिष्क में जाती है और फिर मस्तिष्क उसके हिसाब से प्रोसेस करता है और आगे क्या कार्रवाई शरीर करता है। हाथ चलाना है, पैर चलाना है, जीभ चलानी है, आँख चलानी है, नाक चलानी है, हिलना है, डुलना है, गर्दन घुमानी है, एक उंगली चलानी है, उंगली उठानी है, नीचे करनी है, दबानी है, कुछ भी करना है, वो सबसे पहले मन में आएगा। इसलिए ये जो गाथा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मन सबका अगुआ है। मनोसेठा मनोमया, मनोसेठा का मतलब है मनो, मन, सेठा जो बोलते हैं पाली में, श्रेष्ठ को बोलते हैं, सुप्रीम को बोलते हैं, जो सबसे उच्चतम स्थिति होती है, सबसे बढ़िया होती है, एक्सीलेंट यानी सुपर एक्सीलेंट, सुपर्ब को बोलते हैं। तो मनोसेठा यानी मन सुपर्ब है, एक्सीलेंट है, सुप्रीम है, सबसे अच्छा है। मनोमया, मनोमया का मतलब है जैसे हम ये कहते हैं कि मनोमया, या हम ये कहें कि वातावरण जलमय हो गया या अग्निमय हो गया, यानी मनोमया मन में लिप्त हो गया, मन से उत्पन्न हो गया, यानी मन से उत्पन्न होता है, मन में यानी मन के साथ में संलिप्त है, मन से उत्पन्न होता है। मनसा चे पस्मनेन, इसमें और पहली वाली गाथा के अंदर मनसा चे पस्मनेन, और वहाँ मनसा चे पस्मनेन की जगह जो आया था वो आया था पदुठेन, पदुठेन आया था, यानी जो बुरी बातें आती हैं वहाँ के हिसाब से, और यहाँ पस्मनेन आया है यानी प्रसन्न, प्रसन्न से, प्रसन्नता के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा मतलब जब मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, यानी मन बिल्कुल साफ है और मन शुद्ध है। भासती वा करोती वा, भासती वा करोती वा पहले वाले में भी सेम है और अब में भी है। भासती मतलब भाषण यानी बोलना, या अथवा वा का मतलब होता है अथवा, करोती माने करता है या, यानी बोलता है या करता है। इस लाइन का मतलब है मन से अगर प्रसन्न होने के बाद या मन से निर्मल और साफ होने के बाद जो आप कहते हैं या जो आप बोलते हैं। ततो नंग सुख मनवेती, ततो माने तब, नंग माने उनका या वे, सुख मनवेती का मतलब है सुख माने जो आप जानते हैं एक दुख होता है, एक उसका जो उल्टा होता है वो सुख होता है, और मनवेती जो बना हुआ है वर्ड वो है मन वत्तेती, मन वत्तेती, वत्तेती का मतलब है जारी रखता है, कीप ऑन गोइंग ऑन, यानी कि वो लगातार कंटिन्यूस रटकता है, यानी सुख में जो अगर आप प्रसन्न मन से कोई काम करते हैं तो आपका सुख जारी रहता है। कैसे रहता है? छाया वे अनपायनी, यानी जैसे छाया होती है, छाया शेडो, जो शरीर की जो हम चलते हैं धूप में, जब छाया होती है हमारे साथ चलती है तो अनपायनी, अनपायनी का जो शब्द है ये अन और अपाय से बना हुआ है। अपाय का जो मतलब होता है यातना लोक या स्टेट ऑफ वो, यानी बहुत डरावनी जो स्थिति होती है एक तरह से यातना वाली, उसको अपाय बोलते हैं। और इसमें अन लगा लें तो इसका मतलब है कि उससे रक्षा करने वाला या उससे जीतने वाला, उससे रक्षा करने वाला, यानी जो बहुत बुरी अवस्था है, जो वो फुल स्टेट है हमारी, जो बहुत दुखद अवस्था है, उससे रक्षा करती है छाया के समान, यानी कि ऐसी छाया जो हमें दुख नहीं देती, हमारी रक्षा करती है, सुख ऐसे ही हमारे साथ रहेगा। अब ये जो तीन सेंटेंस हैं, तीनों के तीनों सेंटेंस यमक वक की दूसरी कहानी का उल्टा असर देते हैं, जैसे पहली वाली में था। तो अब सीधी सी बात है और साफ है कि दोनों हमारे सामने क्लियर हैं। एक केस के अंदर यानी एक धम्म के अंदर वो हमसे कहते हैं कि मन पूब गमन करता है, अगर हम दुख से या दुर्भाव से या कोई
दुर् मनुष्य से अगर कोई काम करते हैं तो दुख हमारे साथ ऐसे चलेगा जैसे जब कोई गाड़ी वाला कोई सामान ढोता है तो उसके साथ साथ में उसके पैरों के साथ साथ बैलों के पैरों के साथ साथ में चक्का चलता है, यानी दुख हमेशा साथ चलेगा। इसमें जो दुख बताया है वो गाड़ी और बैल को बताया है और पहिया उसके साथ है। और सुख का जो बताया हमें वो सुख ऐसा बताया है कि जैसे छाया हमारे साथ चलती है, जो हमें कभी कष्ट नहीं पहुँचाती, कभी हमें परेशान नहीं करती, ऐसे बिल्कुल छाया की तरह सुख हमेशा साथ चलेगा अगर हम प्रसन्न मन से और शुद्ध मन से कोई काम करेंगे। ये तो इनका शाब्दिक मत है। इसके पीछे की जो कथा है वो कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले वाले में मैंने चक्खुपाली कथा बताई थी आपको, इस वाले में जो कथा है वो है मठ कुंडली की। मठ कुंडली यानी मठ और कुंडली, कुंडली आप समझते होंगे, जो कुंडली होती है जैसे सांप ने कुंडली मार ली, यानी कि सर्पाकार गोला, या आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली, जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि आपकी कुंडली में क्या है, या सर्प कुंडली। तो कुंडली माने घुंघराले, चक्र वाले, और मठ माने होता है चिकने, यानी कि एक लड़का था जिसको जिसका नाम था मठ कुंडली, यानी चिकने घुंघराले बाल वाला लड़का, और उसके पिता का नाम था अदिन्न पुब्बक। अदिन्न पुब्बक भी है, अदिन्न पुब्बक भी है, और उद्दत्त पूर्वक भी है, और अदत्त पूर्वक भी है, चार इसके नाम आते हैं। अदिन्न पुब्बक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये बड़ा कपड़ था, बड़ा कंजूस था, और ये बड़ा धनवान था। ये सावित्री के अंदर कौशल जनपद में रहता था। कौशल जनपद आप जानते होंगे जो 16 जनपद थी बुद्ध के समय में। 16 जनपद का मतलब है 16 महाजनपद, 16 स्टेट, आज की जैसे हम कहते हैं बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ऐसे ही 16 जनपद होते थे। उनमें एक जो स्टेट था उसका नाम था कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो सावित्री थी, जो आज का श्रावस्ती है, सावित्री थी। तो उस सावित्री में, कौशल जनपद में, एक बहुत कंजूस अदिन्न पुब्बक नाम का व्यक्ति रहता था, और उसका एक लड़का था जिसका नाम था मठ कुंडली, घुंघराले और चिकने बाल वाला। वो लड़का बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और जो उसके पिता थे वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। धन धान्य बहुत था मगर वो खर्च नहीं करते थे। उसके पिता ने अपने लड़के को यानी मठ कुंडली को किसी वैद्य को नहीं दिखाया, किसी भैसज्ञ को नहीं दिखाया, और ना दिखाने से क्या हुआ कि लड़का बीमार होता रहा और वो ठीक नहीं हुआ। उसने ये सोच के नहीं दिखाया कि धन की हानि होगी, धन चला जाएगा, और जब उसकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने उसकी चारपाई को, उसकी खाट को, उसके पलंग को, उसके बेड को बरांडे में डाल दिया। अब बरांडे में डाला उसने इसलिए क्योंकि बाहर से लोग देखने आएंगे तो मेरे घर का धन धान्य देखेंगे, ऐश्वर्य देखेंगे, तो कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए, इस डर से उसने डाल दिया। लड़का बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया। और उधर जो भिक्खु संघ था, भगवान बुद्ध का भिक्खु संघ, वो सब भिक्खु संघ अपनी चारिका के लिए जा रहा था। तो भगवान बुद्ध तो आपको पता है पारगामी रहे हैं, जब वो चारिका के लिए आए और चारिका करने लगे तो उन्होंने देखा दूर से कि ये जो लड़का है, ये लड़का मरने की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा है, और वो अपने भिक्षा के लिए एक साइड में खड़े हुए थे। नियम था भिक्खा का, क्योंकि भिक्खु जितने भी थे वो ऐसे नहीं बोलते थे भिक्षाम देही या भिक्खा देही या याचना नहीं करते थे, वो सिर्फ जाके खड़े हो जाते थे, किसी ने देख लिया तो भिक्षा मिल गई, नहीं मिला तो फिर अगले घर चले गए। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया और भगवान बुद्ध को कुछ देना चाहता है मगर देने की स्थिति नहीं है, वो करवट भी नहीं बदल पा रहा है, सिर्फ गर्दन टेढ़ी करके वो देख रहा है, और देख के बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि भगवान की जो आभा और जो छटा थी और जो उनका चमक थी चेहरे की, वो बहुत शांतिप्रिय थी, बहुत लुभावनी थी, और उसके मन को बहुत शांति दे रही थी। वो उनकी उस शक्ल से, सूरत से, और जो वहाँ से तरंगे आ रही थी देखने की भगवान बुद्ध से, उसका मन उस क्षण बहुत प्रसन्न हो गया, और इतना शुद्ध मन हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उस शुद्ध मन में और प्रसन्न मन के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान वहाँ से आगे चले गए। चलने के बाद में पता चला कि जो मठ कुंडली है वो मर गया है, तो उसकी गति जानने के लिए बुलाया गया भिक्षु को या जो भी समझदार थे, उन्होंने देखा कि भाई इसके चेहरे पे बड़ी आभा है मरते समय, और ये बड़ी शांतिप्रिय है, इसकी आंखें भी बड़ी ठीक हैं, शरीर के सारे जितने बॉडी के पार्ट्स हैं, मरते समय ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तड़प तड़प के मरा है या परेशान होकर मरा है, ऐसा लगता है ये जैसे बहुत संतुष्टि और शुद्ध मन के साथ में मरा है। तो ये बात जिज्ञासा हुई जो अदिन्न पुब्बक था कि भाई इतना परेशान होने के बाद भी लड़का इतनी शांति से कैसे मरा। इस बात को जानने के लिए उसने भगवान बुद्ध के पास वो गया, और बुद्ध के पास जाके उसने ऐसी कहानी करके बताई। तब बुद्ध ने
ये कहानी बताई कि अगर आपका मन शुद्ध है और मन शुद्ध से आप अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु आपकी बहुत शांतिप्रिय, बहुत अच्छी होती है, और उससे जो भी नेक्स्ट बर्थ है, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ की बात हर एक में आती है, तो नेक्स्ट बर्थ जो भी होता है वो कई बार ना भी हो अगर आप वास्तव में अर्हत हो गए हैं, या बहुत अच्छा हो तो ऐसी मृत्यु में ऐसा सॉफ्टवेयर आपका डेवलप होता है जिससे कि चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं और मृत्यु आसान होकर आगे नेक्स्ट बर्थ में बहुत रिलैक्स मिलता है। एक कहानी और चलती है जो अपने भोट भाषा में है। भोट भाषा में जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि दो लड़के बैठे हुए हैं और कुछ व्यापारी आते हैं। व्यापारी आके उन लड़कों से पूछते हैं कि हमें रात हो गई है और पास वाले गांव में ठहरना है, आप हमें बताएं कि पास वाले गांव के लोग कैसे हैं। तो उनमें से एक लड़का जो थोड़ा सयाना है, बड़ा है, वो पूछता है कि व्यापारी महोदय, आपके गांव के लोग कैसे हैं जहाँ से आप आए हैं। तो वो कहता है कि हमारे गांव के लोग तो बहुत ख़राब हैं, बड़े दुष्ट हैं, बहुत निकम्मे हैं, निकृष्ट हैं, मोग हैं। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ के भी लोग ऐसे ही हैं, इस गांव के बिल्कुल जैसा आपने बताया है ऐसे लोग हैं। बोले अच्छा, इतने ख़राब लोग हैं, अब हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। जी, उसने कहा नहीं ठहरना चाहिए। वो लड़के वहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक और कुछ व्यापारी आते हैं। वो व्यापारी फिर सेम क्वेश्चन पूछते हैं और वो कहते हैं कि हमें रात को ठहरना है, देर हो गई है, इस गाँव के लोग कैसे हैं। तो वो लड़का फिर पूछता है कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। तो कहता है कि हमारे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सबका स्वागत सत्कार करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, यात्रियों का खास तौर से विशेष ध्यान रखते हैं, और बड़े मीठे हैं, मृदु हैं, और ये सब मिलजुल कर रहते हैं। तो लड़का कहता है कि इस गाँव के लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे आपने बताए ऐसे ही हैं। जब वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है तो जो दूसरा लड़का पास खड़ा हुआ है वो कहता है कि तुमने पहले वाले व्यापारी को तो कहा कि बड़े दुष्ट लोग रहते हैं इस गांव में, और दूसरे वाले व्यापारी को कहा कि बड़े मृदु और बड़े स्वभाव वाले, बड़े मीठे लोग रहते हैं, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि इस गांव के लोग तो जैसे हैं वैसे ही, बाकी इस व्यापारी का और उस व्यापारी का मन जैसा होगा वो गांव के लोगों को वैसा ही देख देखेगा। इसलिए सारी बात मन के ऊपर आती है कि आपका मन कैसा है, और मन जैसा होता है, मन प्रधान होता है, अगुआ होता है, ड्राइवर होता है, वैसा ही स्वभाव आपको आगे दुनिया में मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि एक डॉक्टर है, वो एक जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसके शरीर को काटता है, बड़े गहरे गहरे घाव देता है, और एक डाकू है, एक चोर है, लुटेरा है, जब वो लूट मार करता है तो वह भी चाकू से सामने वाले पर वार करता है और उसको गहरे गहरे घाव देता है, मगर दोनों के घाव देने में मन की स्थिति का बड़ा अंतर है। पहले मैं डॉक्टर जीवन को बचाने के लिए अपने मन से काम करता है, मन बड़ा उसका मृदु होता है, स्वभाव होता है, और दूसरे वाले केस में वो उसको दुष्ट मन से, दौर मन से, मन से द्वेष मन से मारने के लिए, लूटने के लिए घाव देता है। दोनों ही केस में जो मरीज हैं और जिसको लूट लूटा है वो दोनों मर जाते हैं, मगर मरने के बाद में जो उनका फल है दोनों ही अलग अलग हैं। डॉक्टर को इसका दोष नहीं लगेगा, ना ही उसके मन में कोई ऐसी बात आएगी, ना ही उसके अंदर, उसके सॉफ्टवेयर में, उसकी मेमोरी में, उसके हार्ड डिस्क में कोई ऐसी फाइल बनेगी कि उसने मरीज को इलाज करते समय घाव दिया और वो मर गया, इसका उसे कोई पाप नहीं लगेगा अगर उसने शुद्ध मन से काम किया है तो। मगर जो चोर और डाकू है, जब वो मारेगा तो उसने लूटपाट और द्वेष मन के साथ में काम किया है, तो उसके अंदर एक पाप की फाइल बनेगी, डेथ की फाइल बनेगी, जो उसको जीने नहीं देगी, जो उसे बार बार परेशान करेगी, और इस बार बार परेशान करने पे या तो वो और भी ज़्यादा क्राइम करेगा, या वो शराब पिएगा, या वो बेचैन रहेगा, रात को उसे नींद नहीं आएगी, और उसका शरीर भी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, और उसके चेहरे की चमक भी चली जाएगी, वो किसी को बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि सोसाइटी का नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हत्या की है और द्वेष भाव से की है। इसलिए दोनों ही केसों में जान जाती है, मगर पहले केस में डॉक्टर को कुछ नहीं होगा, उसके चेहरे पर चमक आएगी, वो नॉर्मल रहेगा, उसकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, क्योंकि वो जीवन बचाने के लिए उसने घाव दिया है, और दूसरे केस में जीवन लेने के लिए घाव दिया है, इसलिए उसका पाप उसे और उसके परिवार में भी उसका असर जाएगा, क्योंकि जो पाप आदमी व्यक्ति करता है उसके वातावरण, उसका चारों तरफ वातावरण वैसा का वैसा ही हो जाता है, उसका घर खराब हो जाएगा, उसके घर में सब चीज़ें काली, बेकार, निगेटिव हो जाएंगी, ना भोजन अच्छा होगा उसके घर में, ना हवा अच्छी होगी, ना उसके घर का वातावरण अच्छा होगा, ना दीवारों के रंग अच्छे होंगे, ना उसका शरीर, ना उसके कपड़े, ये नेचुरल प्रिंसिपल है, सारे के सारे खराब हो जाएंगे।
और ऐसी ही स्थिति होती है कि जब आप कहीं कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जब केस आता है सामने, तो जो जज हैं बहुत पुराने समय से भी, वो क्राइम के पीछे के मन का स्वभाव देखते हैं कि उसका मोटिव क्या था, उसका क्या चीज़ ऐसी रही कि जिसकी वजह से उसे कोई क्राइम किया, क्राइम करने का कारण क्या रहा। अगर कोई बहुत भूखा बच्चा है और भूखा बच्चा अगर खाना चुराता है और खाना चुराते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके क्राइम को वो देखता है कि मन की स्थिति इसकी चोरी करने की किस नीयत थी और क्या बात थी। और कोई आदमी बहुत सारा खाना रखता हो और उसके बाद भी खाना चोरी करता हो और खाना चुराते हुए पकड़ा जाए, तो उसकी मन की स्थिति का पता चलता है, दोनों की मन की स्थिति में अंतर आता है। इसलिए जज मन की स्थिति देखते हुए अपने जजमेंट में हमेशा इसको प्रधानता देते हैं और तभी वो फैसला देते हैं। ये पूरी दुनिया में इसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, प्राकृतिक जस्टिस बोलते हैं। तो ये थी धम्मपद की दूसरी गाथा। धन्यवाद।